दोस्तों, आधार सेंटर लेना हुआ अब बहुत आसान। आप लोग बिल्कुल फ्री में आधार कार्ड का सेंटर ले सकते हो। ठीक है, एक भी रुपया आप लोग को देना नहीं पड़ेगा, एक भी रुपया आप लोग को सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फ्री में आप लोग आधार सेंटर ले सकते हो। तो कैसे आधार सेंटर के लिए आवेदन करना है, ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करके। और एम हिंदी टेक चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वेबसाइट पे आप लोगों को आना पड़ेगा। आने के बाद में आप लोगों को सब कुछ फीचर दिख जाएगा। दोस्तों, आधार सेंटर लेने के बाद में क्या क्या फीचर आप लोगों को मिलेगा, सब कुछ इस पे डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि शो हो जाएगा। आप लोगों को थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यानी कि थ्री लाइन पे क्लिक करना है, फिर दिख जाएगा सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर आप लोगों को नॉन आईपीबी कस्टमर पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को थ्री ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोगों को नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर ऐसा पेज डिस्प्ले हो जाएगा। फर्स्ट वाला बॉक्स पे टिक मार्क लगा देना है। लगाने के बाद में फिर आप लोगों को अपना नाम का टाइटल सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम देना है और लास्ट नेम देना है, ठीक है। फिर अपना मोबाइल नंबर देना है, देने के बाद में ईमेल आईडी देना है, ओके। ईमेल आईडी देने के बाद में फुल एड्रेस आप लोगों को डालना होगा, दो बार एड्रेस डालना है और अपना एरिया का पिन कोड डालना है, ठीक है। और नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस होगा उसको डालना है। डालने के बाद में फिर आप लोगों को इस बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद में आप लोगों को कैप्चर कोड को फिल करना है, ठीक है। दोस्तों, सब कुछ सही सही डालने के बाद में आप लोगों को नीचे दिख जाएगा सबमिट, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप लोगों को वेटिंग करना होगा। आप जो ब्रांच सेलेक्ट किया था उस ब्रांच के जो मैनेजर होंगे वो आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है। कांटेक्ट करके आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आप लोगों को आईडी दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं अप्लाई किया था लगभग 10 डे हो गया, यानी कि 10 दिन हो गया, अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया गया। दोस्तों, आप लोगों का पोस्ट ऑफिस का सर्विस अच्छा होगा तो जल्दी कांटेक्ट करेगा, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहता, ठीक है। तो आप लोगों को जो सास था वही मैं बता दिया। तो इस तरह से अभी आप लोग आधार सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हो घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।